इस वक्त आप मेरे पास सामने देख रहे हैं कि कपड़िया कंपाउंड में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपनियां की चावल के बोरे निकाले जा रहे हैं। ट्रक नरेश वंजारी यहां पर सुबह से लगे हुए हैं। वो ये सोच में पड़े हुए हैं कि ये जिस जो बैगें आई है बाहर से आई है लगभग सरकारी माल है, इसमें कुछ निजी माल भी बताया जा रहा है। कुल मिला के उनका कहना है कि ये जो गिनवाई होगी करीब दो दिन और चलेगी। आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरीके से यहाँ पर ये माल रखा हुआ है और इसमें आप टैग देख सकते हैं कि कहाँ का है। देखिए ये दिखाई दे रहा है ये पंजाब का है, इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हैं देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गोरख धंधा चल रहा था। ये गोडाउन तो कपड़िया कंपाउंड कहलाता है, कपड़े हरीश कपड़िया का ये गोडाउन है, लेकिन इसको किराए से लेने वाला दिलीप ठक्कर नामक राशन माफिया है, जिसकी राशन की दुकानें है और राणे की भी राशन की दुकानें है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट मेरे साथ यानी शकील शेख के साथ। मिला था कि ऐसा जो भी रेशन का है वो डाइवर्ट हो रहा है, तो हमने इधर आके चेक किया और हमने एक्चुअली उनका रेशनिंग ऑफिसर को फ़ोन किया, साहब ने अभी जस्ट बताया कि क्या क्या इलीगल है इसमें, तो हमने हमारे एसपी सर शिवाजी राठौर सर और कलेक्टर सर को भी इन्फॉर्म किया है और आगे की कार्रवाई चालू है। इसने बताया कि जो भी जो गोनी है तो चावल का गोनी है और पूरा गोडाउन भर के ये सब मिला है हमको, ये अभी उनका वेरीफाई करने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये कुछ हमको लेबल्स मिला है एफसीआई का, पंजाब से आता है ऐसा कुछ। इसमें हमने जो चौकसी के लिए बुलाया था तीन जो मेन लोग हैं तो उनको हमने बुलाया, उनको अभी पूछताछ चालू है कि ऐसा एग्जैक्टली कहाँ से आता है और क्या क्या करते हैं इधर। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो एफसीआई का जो भी माल है तो इधर आता है और पूरा गोडाउन में एफसीआई का ही माल है, तो उसको ये मिल है इधर पूरा मिल को वो जाता है और उसको फिर से पॉलिश होने के बाद वो पैकिंग करके प्राइवेट लोगों को देते हैं। ऐसा कि चार पांच ट्रक है और बाकी जो बाहर जा रहे थे वो दो ट्रक है। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये गोडाउन से निकाला गया हुआ चावल के पोते हैं जो कि शॉर्ट अलग किया जा रहा है। हर अलग अलग ब्रांड के अलग अलग राज्यों के चावल के पोते हैं यहाँ पर, इसको पूरी तरीके से अलग किया जा रहा है और इसी तरीके से ये अंदर से निकाला जा रहा है। एक ब्रांड जो दूसरा है यहाँ पर वो यहाँ रखा गया है और ये कार्रवाई लगभग अभी लगातार दो दिन तक रात दिन चलने वाली है, जिसके ऊपर रमेश वंजारी उप नियंत्रक फो विभाग के अधिकारी स्वयं खड़े रह कर के ध्यान दे रहे हैं और ये मामला कोर्ट में टिके इसके लिए भी पूरी तरीके से बारीकी से अध्ययन करके निरीक्षण करके कार्रवाई करने में जुटे हुए। सर बताइए कि आज आपने मीरा रोड के कपाड़िया कंपाउंड में रेड मारी, आपको यहाँ पर क्या क्या मिला और क्या संभावनाएं बनी है? यहाँ पे लगभग 5000 बैग अपने अनाज की है, चावल है उसमें, तो सब एफसीआई के बारदाने के अंदर है और पंजाब स्टेट के विभिन्न राइस मिल की यहाँ पे बैच लगी हुई है, तो अभी ये सब हमारा उसको स्टैकवाइज करेंगे, सब कैलकुलेशन करेंगे कितना है तो, और उसका सोर्स जांचने के बाद इसके ऊपर गुनाह दर्ज करेंगे। ये किसका माल है अभी तक कुछ पता चला है? किसका कंपाउंड है, किसका? ये कपाड़िया कंपाउंड है, कपाड़िया कंपाउंड के अंदर कोई राणे नामक व्यक्ति है, वो मैनेजर है यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो ये पुलिस एसीपी साहब की तरफ से ये कंप्लेंट हमारे तरफ आई थी, तो उसके तहत आगे की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है और सभी अभी इसका कैलकुलेशन होगा और सब तहकीकात होगी, उसके बाद इनके ऊपर जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3(7) तहत कार्रवाई की जाएगी। मूल मालक के ऊपर होगी, मैनेजर से? मूल मालक। अच्छा, आप ये बताइए कि रेड आपने कब से मारी? अभी रात के 10 बजने आए, अभी तक भी आपका काम अधूरा है, ये हाँ, कब तक चलने वाला है? ये तो दो दिन और चलेगा, दो दिन और चलेगा, लगभग मतलब 3 दिन तक का इसकी गिनवाई होगी। 3 दिन चलेगा।